आज भी आप सबसे बिजी एक्टर्स में से एक हैं, इनफैक्ट बल्कि ये कह सकता हूँ कि सबसे बिजी हैं। आप साल में कम से कम 4 फिल्में कर लेते हैं, 3 से 4 फिल्में। हाँ, लेकिन ये कैसे कर लेते हैं? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा आप छुट्टियां भी सबसे ज्यादा लेते हैं, उसके बाद भी 4 फिल्में कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि मेरे जो 8 घंटे मैं काम करता हूँ दिन में, मैं संडे को काम नहीं करता और बाकी पूरे 6 दिन 8 घंटे काम करता हूँ, लेकिन मैं वो 8 घंटे ना, मैं कभी अपने वैनिटी वैन में वापस नहीं जाता। मैं वहीं बैठा रहता हूँ, वहीं खड़ा रहता हूँ, वहीं बातचीत करता हूँ और वहीं काम करता हूँ। वो 8 घंटे अगर आप उधर ही खड़े रहोगे ना, दैट 8 आवर्स विल बिकम 12 आवर्स ऑटोमेटिकली। मैंने कईयों को देखा है जो वैनिटी वैन चले जाते हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, उनको बुलाओ, फिर वो आते हैं, फिर बैठते हैं, फिर होता है। लेकिन अगर आप वहीं खड़े रहोगे, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। और जहाँ तक कि सवाल 4 फिल्मों का है, 4 फिल्में जो होती हैं, लोग कई बार कहते हैं कि आप 4 फिल्में कर रहे हो यार, तो मेरी समझ में नहीं आता। मैं अपने आप को यही मानता हूँ कि मैं भाई, वो लोग करते हैं 2 साल में 3 साल में, दे मस्ट बी, आप ये कह सकते हो लैम्बोर्गिनी, आप ये कह सकते हो फरारी, लेकिन मैं खुश हूँ टाटा बने। क्या बात कर रहे हैं, क्या शानदार टाटा है, क्या कंपैरिजन किया है आपने। बढ़िया है, मैं अपना टाटा ठीक है। सारी बड़ी बड़ी फिल्मों को जब आपकी फिल्में बीट करती हैं, हाँ, जैसे इस फिल्म का बज क्या जबरदस्त क्रिएट हो रहा है रक्षाबंधन। नहीं, मैं तो कहता हूँ सबकी फिल्म चले, बहुत जरूरी है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है फिल्में चलना। और फिल्म इंडस्ट्री क्या, सबकी इंडस्ट्री चले, बिकॉज हिंदुस्तान का इकॉनमी बढ़ते रहना चाहिए, दैट शुड बी द होल आइडिया। तो लाल सिंह चड्ढा के साथ क्लैश हो रहा है, आपको कुछ लगता है कि इससे कुछ फायदा होता है जब दो बड़ी फिल्में एक साथ आती हैं, या नुकसान होता है? हल्का फुल्का होता है, बिकॉज क्लैश होता है, लेकिन एक 5 दिन की छुट्टी है उस हफ्ते, तो दोनों फिल्म को अच्छा ही फायदा है। हाँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर दो अच्छी फिल्में साथ आ जाएं तो किसी को नुकसान होना चाहिए। नहीं, होता तो है, एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे का बिजनेस खाता है। अल्टीमेटली जिसको देखनी है वो देख लेगा, पहले हफ्ते नहीं देखेगा, दूसरे हफ्ते देख लेगा। हाँ, वो नहीं, वो लेकिन नहीं, देखिए अगर आप देखने जाओगे तो लोग सोच लेते हैं कि एक महीने में एक ही फिल्म देख सकते हैं, क्योंकि टिकटों के भाव होते हैं, ये होते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑल्सो, इट इज़ नॉट सो ईजी फॉर एवरीबडी टू वॉच 2 फिल्म्स इन 1 मंथ, क्योंकि आप परिवार के साथ जाते हो, पैसे लगते हैं, सो दैट ऑल हैज़ टू बी काउंटेड ऑल्सो। अभी जो अक्षय कुमार का दिमाग है वो प्रोड्यूसर की तरह ज़्यादा चलता है या अभी भी? क्योंकि अब तो आप फिल्म मेकिंग में भी काफी हद तक इन्वॉल्व रहते हैं ना अपनी फिल्म। हाँ, मैं खुद ही प्रोड्यूस करता हूँ, ये हाँ, मैंने ही प्रोड्यूस हाँ, exactly. मैंने और आनंद राय साहब ने हाँ, आपकी सिस्टर भी इन्वॉल्व है? मेरी सिस्टर है, माय सिस्टर इज देयर। सो देखिए, मैं फिल्में ऐसी, मेरा दिल करता है मैं ऐसी फिल्में बनाऊँ, टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी, एयरलिफ्ट जैसी, ऐसी बनाऊँ, क्योंकि चाहता हूँ तो बड़ी कमर्शियल फिल्में बना सकता हूँ, उसमें ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, उसमें 2 गुना 3 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन इस ऐसी फिल्म का सेटिस्फैक्शन दिल में बहुत अच्छा रहता है कि एक किस्म का कुछ आप कहना चाहते हो और आपने खुद महसूस किया है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इन रूट दहेज इतना रूट्स के अंदर हमारे जड़ों में घुसा हुआ है, तो जब ये पता चला तो इसके बारे में तो फिर मन करता है ऐसी ऐसी फिल्में बनाऊं। सारे न्यू कमर्स के साथ ज्यादातर मैंने देखा है कि आप बहुत उनको प्रेफर करते हैं, क्या कोई खास वजह है उसके पीछे? मतलब मैं समझा नहीं। बहुत न्यू कमर्स, चाहे डायरेक्टर्स हों या एक्टर्स हों, आई लाइक इट, क्योंकि क्या होता है कि एक उनमें एक भूख होती है, एक उनमें लगन होती है कि हमने कर दिखाना है, तो मैं मतलब मैं प्राउडली कह सकता हूँ मैं इस इंडस्ट्री के अंदर जब से आया हूँ 23 से 24 नए डायरेक्टरों के साथ काम कर चुका हूँ, 20 से 21 नई हीरोइनों के साथ काम कर चुका हूँ, एंड बहुत सारी, एंड देव ऑल बीन 90% ऑफ देम हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है, इससे आपको फर्क पड़ता है, अफेक्ट करती है या नहीं, आप इग्नोर कर देते हैं या देखते ही नहीं? नहीं, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से वॉट एवर दे वॉन्ट, सब भी बोल सकते हैं जो भी है, एंड वॉट एवर दे फील, बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे कुछ होता नहीं है, फ़ायदा नहीं है। मैं उनसे हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहता हूँ कि देखिए, इंडस्ट्री है, चाहे ये इंडस्ट्री हो, चाहे
फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे बिल्डिंग की इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, इकॉनमी को बढ़ावा देना चाहिए, हिंदुस्तान की इकॉनमी को बढ़ावा देना, ना कि उसको नीचे दबाना चाहिए ये बॉयकॉट और ये सब। बल्कि मैं आपको अपनी ओपिनियन बताता हूँ, मेरा भी 25 साल का एक्सपीरियंस है मीडिया में। ये जो बॉयकॉट वाले जितने ट्रेंड चलते हैं या ये जो मुहिम चलती है, इनका कोई असर नहीं होता है। और वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो लोग मुहिम चला रहे होते हैं वो खुद भी जाके छुपके से ये फिल्में देख रहे होते हैं, अगर फिल्म अच्छी है तो। आई एम टेलिंग यू, मुझे तो कई बार तो होता है, मतलब उसमें तो करीब कुछ ऐसे भी होते हैं उसमें बॉट्स भी होते हैं। ओ एब्सोल्युटली, ज्यादातर तो वही होते हैं। हाँ तो ठीक है, अभी जिनको नेगेटिविटी से समझ आती है वो नेगेटिविटी, बट ऑडियंस एज यू राइटली से जिन्होंने मन बना लिया होता है वो जाके करते ही हैं, देखते ही। ओके, सो ऑन दैट नोट, अक्षय कुमार, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू ऑल।